इजराइल लेबनान बॉर्डर पे इजराइल और हिजबुल्ला के बीच लगातार लड़ाई और झड़पें जारी हैं। बड़ा युद्ध कभी भी ले सकता है। इस वक्त हम लोग रोस हनिकारा में हैं। ये एक छोटा सा गांव है, 1500 की आबादी है और यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। मिलिट्री जोन पूरा का पूरा है। बस आने की इजाजत हमें इसलिए है क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए हैं। 1500 की आबादी वाले इस अंदर के गांव को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। बॉर्डर का गांव है, जिस तरह से आपको हम मेतुला लेकर गए थे, मेतुला उत्तरी बॉर्डर था पूरी तरह। रोस हनिकारा भूमध्य सागर पे है और ये लेबनान के बॉर्डर से लगता है। आपको अंदर ले चलते हैं। ये देखिए, यहां से हमें लगता है जाने की आगे इजाजत नहीं दी जाएगी। ये रोस हनिकारा का गांव है, ये एक एंट्री पॉइंट है, स्लो डाउन लिखा हुआ पहले से। और यहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे, हम और हमारे कैमरा पर्सन देखते हैं कि जाने की इजाजत मिलती है कि नहीं। ये गांव है, यहाँ ब्लॉक है। इस गांव के अंदर जाने की शायद इजाजत न दी जाए, लेकिन रोस हनिकारा को भी खाली करा दिया गया है। देख सकते हैं। ओके, गो, मूव ऑन कैमरा, मूव द कार। देख सकते हैं, देखिए यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। मूव कर। यहाँ मिलिट्री के लोग आ जाते हैं क्योंकि रोस हनिकारा, ओके, मिलिट्री के लोग आ जाते हैं, आपको मूव करा दिया। यहाँ ऊपर जाने की इजाजत नहीं। बैक साइड में लेबनान है और इधर भूमध्य सागर है। यहाँ आप कहीं भी खड़ा होंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। हम बॉर्डर की तरफ भी चलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, देखा क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ मीडिया को भी आने की कम इजाजत है। मिलिट्री जोन में हम पहुंचे थे, रोस हनिकारा में, जो कि गांव है, 1500 की आबादी वाला गांव है, लेकिन जो सामने हमारे खड़े हैं उन्होंने हमें मूव करा दिया।
כן, שקט.